पहाड़ी के रास्ते पर गाड़ी गई पलट, फिर हुआ हनुमान जी का ऐसा चमत्कार, पहाड़ी से गिरकर भी बच गया भक्त। हनुमान भगवान की शक्ति और सामर्थ्य का कोई सानी नहीं है। जहां भी कोई भक्त किसी विपदा में नजर आता है, वहां हनुमान आकर वो कर जाते हैं जो किसी की भी कल्पना के बाहर होता है। तो क्या हुआ, जब बीच पहाड़ी में लोगों से भरी बस पलट गई और फिर वो जिंदा बच निकले। उत्तराखंड के रानीखेत से एक बस जोशी मठ की ओर जा रही थी। रास्ते में वहां एक बड़ा सा हनुमान मंदिर पड़ता था। इस इलाके में रिवाज था कि जब भी कोई गाड़ी यहां से गुजरती थी तो यहां कुछ देर रुकती थी। सब भक्तगण यहां पर दर्शन करके खुद को कृतज्ञ करते थे और प्रसाद लेकर फिर आगे की ओर विदा होते थे। इस बस में वैसे तो 50 लोगों के बैठने की जगह थी, पर ज्यादा पैसा कमाने के लिए बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने कई ज्यादा लोगों को बिठा लिया था जो बस में खड़े खड़े सफर कर रहे थे। पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल थी और गाड़ी बहुत सावधानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ी जा रही थी, पर उनकी एक गलती से सब कुछ खराब होने वाला था। रास्ते में एक ट्रक के खराब हो जाने से सकरे रास्ते पर काफी ट्रैफिक हो गया था, जिसे सुलझने में कई घंटे लग गए। गाड़ी अपने तय समय से काफी पीछे चल रही थी, इसलिए गाड़ी को तेज भगाने का फैसला किया गया। गाड़ी जब सकड़े मोड़ों से होकर जाती तो लोगों की सांसें फूल जाती। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। गाड़ी दौड़ते हुए हनुमान मंदिर के पास से गुजरी। मंदिर पास आते देख लोगों ने बस की खिड़की से ही हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए, पर ड्राइवर बस को रोकने की जगह सीधा भगा कर ले गया। जब यात्रियों ने इसका विरोध किया तो ड्राइवर ने कहा कि उनके पास रुकने का समय नहीं है, अगर वो मंदिर में रुके तो अंधेरा हो जाएगा और फिर रात में बस चलाना और भी खतरनाक हो जाएगा। यात्री लोग खफा थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। सबने मन ही मन हनुमान जी से माफी मांगी और गाड़ी चलती रही। जैसे जैसे शाम ढलने लगी गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन ड्राइवर को गाड़ी डिपो में पहुंचाने की जल्दी थी। उसने गाड़ी की गति नहीं घटाई, इसी कारण उसे नजर नहीं आया कि एक जगह चट्टान के कारण सड़क उखड़ी हुई है। गाड़ी का पहिया सीधा चट्टान से जा टकराया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। उस पल सबको अपनी मौत सामने नजर आने लगी। सबके मुंह पर सिर्फ एक ही शब्द था, हे बजरंगबली रक्षा करो। गाड़ी के शीशे टूट गए और लोग गाड़ी के बाहर गिरने लगे। पर इसी पल एक चमत्कार हुआ, गाड़ी पलटकर उल्टी होने की जगह सीधी नीचे झाड़ियों में जा गिरी। जो लोग गाड़ी से नीचे गिर रहे थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आराम से नीचे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें थामा हुआ है जिससे वो मुंह के बल नीचे न गिर जाएं। कुछ लोग खाई के सामने के पानी के सोते में जा गिरे और फिर खुद ही पानी की सतह के ऊपर तैरने लगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, पर आश्चर्य से कोई भी नहीं डूबा। थोड़ी देर में वहाँ भीड़ जमा हो गई। लोगों ने क्रेन मंगाकर लोगों को निकाला। किसी को भी कोई गहरी चोट नहीं लगी थी। सबको अस्पताल ले जाया गया जहाँ कुछ दिनों तक उनका इलाज चला। बस ड्राइवर ने सबसे माफी मांगते हुए कहा कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने स्वार्थ में भगवान का निरादर किया, मेरी मूर्खता की सजा सबको भुगतनी पड़ी। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इसलिए क्योंकि हनुमान भगवान ने हमको संभाल कर रखा। मुझको वचन है कि मैं सबको अपने खर्च पर हनुमान मंदिर लेकर जाऊंगा और उनके चरणों पर खुद को अर्पित कर दूंगा। ठीक होते ही सबने श्री हनुमान के चरणों पर सिर नवाया और उनकी जान बचाने के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सबने जय बजरंगबली के नारे लगाए और फिर अपने घरों की ओर चले गए। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हनुमान जी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और चमत्कारों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय बजरंगबली।